ये सभी महाकाल यूथ सेवा फाउंडेशन के सदस्य हैं और ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। झोपड़पट्टी के बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, कराटा भी सिखाते हैं, कंप्यूटर की जानकारी भी देते हैं। इन लोगों से आज मैं मिलने आया था, अच्छा लगा। तिरंगा का जबरदस्त डिमांड है पूरे भारत में, क्योंकि मोदी जी एक मुहिम चालू किए हैं हर घर तिरंगा। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि एक अच्छा मुहिम जो है वो सफल हो, चाहे कोई भी चालू करे, लेकिन तिरंगा का दाम जो है 4 गुना हो गया है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। फिर भी ये कोई मुद्दे की बात नहीं है, मुद्दे की बात यह है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस चीज़ का सम्मान आप लोग कर रहे हैं, राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को एक तिरंगा दे रहा हूँ। और ये इसका सम्मान हमेशा कीजिएगा लोग, आप लोग, और ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। ये एक हम लोग मुहिम चालू किए हैं ब्रांड बिहार का। हम लोगों से पहले भी बहुत सारे लोग ये मुहिम कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, और हम लोग भी उन्हीं के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ कर रहे हैं। ये ब्रांड बिहार का एक टी शर्ट मैं आपको दे रहा हूँ, सबके लिए नहीं लेके आ पाया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग जो है एक बार कम से कम पहन के जो है एक छोटा सा वीडियो बना के जो है भेजेंगे, और उम्मीद है कि आप लोग भी बिहार को ब्रांड बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा बिहार जो है पहले बहुत समृद्ध था, बहुत इतिहास के पन्नों में सबसे मजबूत शासन जो है वो बिहार का था। अखंड भारत जब हुआ करता था तो उस समय राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, और आज जो है हमारे बिहार की स्थिति क्या है वो आप सभी को पता है। हम बिहार से बाहर जाते हैं तो बहुत सारे लोग गलत निगाह से हमें देखते हैं, तो हम ही ना बिहार को बनाएंगे और भारत का नंबर वन राज हम लोगों को बनाना है, सही है कि नहीं? बिल्कुल बनाएंगे, सही है कि नहीं? सही है ना? सही है ना? तो ध्यान रखना, चलिए ठीक है। ये एक टी शर्ट है ब्रांड बिहार का, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मर, कारपेंटर, सिंगर, जर्नलिस्ट, रेडियो जॉकी, सोल्जर, संत, मतलब सब कुछ लिखा हुआ है, आपका भी नाम लिखा हुआ है, चलिए ठीक है, सोशल वर्कर, चलिए ठीक है, जय हिंद। ब्रांड बिहार मुहिम के तहत अभी हम लोग पटना सिटी में हैं, और हर घर तिरंगा मुहिम भी अभी चल रहा है, तो एक तिरंगा जो है हम लोग पटना सिटी के गौरव सिंह जो हमारे मित्र हैं उनको दे रहे हैं, और ब्रांड बिहार का एक टी शर्ट दे रहे हैं, जहाँ पे यहाँ पे बिहार का जो भी ब्रांड है, जैसे IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी हैं, लॉयर, संत, रेडियो जॉकी, फार्मर, आर्मी, जो भी हैं उनका सब यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉलिटिशियन सब लिखा हुआ है, और ये मुहिम जो है हम लोग जो है चालू किए हैं, और ये टी शर्ट जो है दे रहे हैं। उम्मीद है कि गौरव भाई जो है इस टी शर्ट का इस्तेमाल करेंगे, उम्मीद है। महंगा टी शर्ट नहीं है, मतलब ये है कि हम लोग जो है लोगों को दिखा रहे हैं कि जो आप लोग समझते हैं बिहार के बाहर के लोग कि बिहार में जो है गलत चीजें सिर्फ ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर, CA, डांसर, सिंगर, रेडियो जॉकी, म्यूजिशियन, फार्मर, कारपेंटर, जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर, सोल्जर, लेबर, संत, सब सबसे ज्यादा बिहार में है। तो इसी मुहिम के तहत जो है हम लोग इनके घर आए थे, और ये इनसे भी मुलाकात हुआ हम लोगों को शिवम से, और तुम भी ब्रांड बिहार बनो शिवम, समझे ना? yes. कैसे बनोगे? अच्छा काम करके, तो इधर बटन वटन लगाया करो, ठीक है, महाकाल के भर, ठीक है ना? yes. सही है। और आप बोलिए गौरव भाई कुछ। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, व्यक्तिगत कारणों से जो देश में अच्छा काम हो रहा है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति से हमारा अगर संबंध खराब है लेकिन उसका काम इतना अच्छा है, वो बिहार का निर्माण कर सकता है, समाज का निर्माण कर सकता है, देश का निर्माण कर सकता है, तो उसको सहयोग करना चाहिए, साथ में खड़ा होना चाहिए। अगर हम सहयोग नहीं कर सकते हैं, अगर हम साथ में खड़ा नहीं हो सकते हैं, तो चुप रह कर कहीं उसका सहयोग कर सकते हैं। तो आज हमको ऐसा लगता है कि बिहार के लिए गर्व की बात है कि जिस प्रकार मनीष भाई ने या जिस प्रकार से मनीष जी ने बिहार को पूरे प्रदेश में पत्रकारिता को एक नेक्स्ट लेवल में ले गए हैं, और लोगों को समझाया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना है, लोगों में क्रांतिकारी जो चेंज हुआ है ड्यू टू ओनली मनीष कश्यप। एक चीज और हम करना चाहते हैं कि जो व्यक्तिगत कोई समस्या उसको साइड करके सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई आवाज उठाता है उसके कारण सिस्टम चेंज होता है, उसके कारण किसी को इंसाफ मिलता है, किसी को इलाज होता है, कितना बड़ा काम है, कितना पुनीत का काम है, कितना बढ़िया काम है। अगर इस बढ़िया काम के मुहिम में शामिल हो रहा है, ये सौभाग्य की बात है। और साथ में और जितने भी मित्र हैं पुराने नए, उन सभी से आशा करते हैं कि आप लोग भी इस मुहिम में साथ होइए,
चूंकि हम लोग को ब्रांड बिहार बनाना है, हम लोग के ब्रांड बिहार बनाना है और पूरा ब्रांड इंडिया भी बनाना है। तो शुरुआत बिहार से, क्योंकि बिहार गुरु रहा है और आगे भी शायद गुरु रहेगा। और इचेला है मेरा, इचेला है। इसको पिछली बार समझाए थे कि जॉगिंग किया करो, सही है ना, एक्सरसाइज करने के लिए बोले थे ना। अच्छा तुम्हारा क्या नाम है? ऋषभ। ऋषभ भतीजा है गौरव भाई का, हमारा भतीजा है। अच्छा ये बताओ ऋषभ, पढ़ाई ईमानदारी से करते हो कि कुछ और करते हो? ईमानदारी से करते हो। कौन से क्लास में हो? एट में हो। तो एट सेवंथ में कितना परसेंट मार्क्स आया था? सेवन का मार्क्स तो टोटल नहीं आया, जैसे फाइनल जो के आया था पहले 90 बोलना चाहा है, समझ में आया है किसको, मनीष भैया पता कर लेगा, तो 76 में आ गया है। लेकिन मैट्रिक में तुमको कम से कम 95% मार्क्स लाना है। कितना? 95 कम से कम। और क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर बनना चाहते हो ना, तो ईमानदार इंजीनियर बनना है और बिहार में बढ़िया पुल बनाना है। क्या बनाना है? बढ़िया पुल, रोड, भवन सब बढ़िया बनाना है। चलिए ठीक है, आखिरी में इन सभी के लिए जय हिंद।